हे हाय व्हाट्स अप पीपल, राहुल रोमन के जोहार। मैं रवि और आप हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पाइकन ब्लॉग पे। 2023 का ये पहला ब्लॉग और हम इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं सर लालपुर चौक से। ऐसा थोड़ा जाम था तो हम बोले चलो यहीं से इंट्रो दिया जाए। तो भाई साहब आज जो अपन बातें करेंगे भाई बहुत सारी बातें भर भर के करेंगे बातें। कुछ तो आज भी बातें करेंगे और कुछ ऐसा कुछ दिनों बाद नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। आपका ये पहला क्वेश्चन होगा भाई इतने सालों से तुम व्लॉगिंग कर रहे हो अब तक किया क्या। भाई हमारा 22 बहुत सही नहीं गया था, मतलब ऐसा यूट्यूब के मामले में भी बहुत सही नहीं है। मतलब ऐसे 2022 में मैंने 6-7 या 8 वीडियो में अपलोड करा है और वो भी बस जैसे तैसे कर लिया। मतलब मन से कहा जाए तो एक वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ अब तक। तो कोशिश यही रही कि 23 में कि हाँ मैं प्रॉपर वीडियोस अपलोड करूँ, थोड़े अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ, थोड़े अच्छे से बातें करूं और बस बढ़िया रहे। मतलब सर 22 हमारा मतलब भाई बस तहस नहस होकर रह गया। 2022 अगर हमारी लाइफ से स्किप करना रहे तो भाई मैं 2022 को करूं स्किप। मतलब ऐसे एक दो चीज़ें छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और एंड ऑफ दिसंबर भाई बर्थडे वाले मंथ में मैं मतलब ऐसा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया हमारा, काम वाम करने के चक्कर में इंसान गिर गया और ऐसा थोड़ा तुड़वा लिया, ऐसा लिप्स उप्स कट गए भाई। मतलब ऐसा कि गंदे टाइप से स्मूज कर लिया, मतलब लोग ऐसा कर रहे थे। और भाई मतलब इतना दूर का लगा था कि भाई मैं एकदम ऐसा एडमिट 10-12 दिन के बाद मैं आज घर से निकल रहा हूँ। तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था बट एक ही अच्छी बात है अपन 6 किलो वेट उसमें लूज़ कर लिए। तो पेट वेट जो इंसान का निकला हुआ था वो सब सही हो गया और मैं बस आज बकचोदे करने वाला हूँ। आज मैं निकला था सर शाम में सर 6-7 बजे, कुछ थोड़ी बहुत काम थी तो मैं बस जाते वक्त ऐसा कैमराज को पिक कर लिया कि भाई आज कुछ तो अपलोड कर लेंगे। तो उम्मीद है आज या फिर कल सुबह तक मैं ये वीडियो अपलोड कर लूँगा। आज वैसे 3 जनवरी है 2023। तो सबसे पहले मतलब बहुत लेट से आप लोगों को मैं ऐसा विश कर रहा हूँ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जो हैं अभी लालपुर से फिरालाल चौक वाले रोड में हैं, हमारे जस्ट आगे सेंट डेविड हॉस्पिटल है। और ये चचा भाई साहब एक हाथ से ऐसा प्रो वाले फीलिंग में सब फ़ोन चला रहे थे और ड्राइव कर रहा था। खैर बकचोदों को के मुँह नहीं है इस प्लानट पर, उसमें से कुछ बकचोदियाँ हम भी करते हैं, आप भी करते हो। मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, मतलब भाई अगर मतलब हमारे व्लॉग से लोग हमें ऐसा जज करते हैं तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं ऐसा इमोशंस में आके व्लॉग में कुछ थोड़ी बहुत ऐसा गालियाँ वालियाँ दे देता हूँ, पर मैं लड़का वाला शरीफ हूँ। और भाई मैं साथ में पहुँच चुका ऐसा फिरालाल चौक, हमारा हेलमेट का जो मिरर है वो बहुत ही घटिया है, मतलब ऐसा डस्ट हो गया, उसमें ऐसा डस्टी हो गया है। तो मैंने काफ़ी दिनों से ऐसा क्लीन व्लीन खिला नहीं है, करा नहीं है। मतलब मैं खुद ऐसा बाइक ऐसा 10-10 दिन के बाद चला रहा हूँ। लास्ट हमारी 21 दिसंबर का ऐसा कांड वांड करा था हमने और आज 3 जनवरी हो रहा है। मतलब ये मैं उस बीच में ऐसा दूसरी तीसरी बार ऐसा थोड़े थोड़े देर के लिए मैं बाइक निकाला। तो भाई बिजली और हमारे हेलमेट दोनों की हालत ख़राब है। ठंड भी आज थोड़ी अच्छी खासी लग रही है पर अपने को इस चीज़ का फ़िक्र नहीं है। चचा के पिताश्री का रोड है, पूरा ऐसा रोड छेक के ऐसा गाड़ी को पार्क करके रखा है। या तो मैं ढंग से ड्राइव नहीं कर रहा हूँ या फिर लोग ऐसा चूती के टाइप से चला रहे हैं, बस मुझे ये ऐसा लग रहा है। समय अच्छी खासी हो रही है अभी, तकरीबन समय क्या हो रहा है मैं देखता हूँ। अभी समय जो है 8:46, मतलब ऐसा बहुत रात तो नहीं हुआ पर ऐसा अपर बाज़ार में सन्नाटा हो गया है, लोग कम हैं तो बस सुकून है इस रास्ते पे। वरना दिन में अगर आ जाओ भाई साहब आप तो बस खून खौल जाएगा आपका।
इस रास्ते से जाऊँ, अपन ऐसा सब्जी मंडी वाले रास्ते को यूज़ करते हैं क्योंकि ये रास्ता भी ऐसा खाली खाली मिलेगा हमें। तो भाई 2022 के बारे में हम बात कर रहे थे, मतलब ना एक अच्छा ढंग का प्लान हमने करा, एक्सक्यूट व्हाटएवर जो भी है, मतलब ना हमने एक ऐसा ढंग का प्लान बनाया, ना हम कहीं ऐसे ट्रिप पे गए, मतलब इससे सही हमारा 21 और 20 था, मतलब हम ऐसा 2-4 बार बनारस और वो सब चले गए थे उसमें, पर भाई 22 में तो ऐसा कुछ भी ना, मतलब कुछ भी ना हुआ, मतलब बस ऐसा दुखी हो गया इंसान। कोविड नहीं भी था फिर भी ऐसा कुछ कर नहीं पाया ढंग से ऐसा। तो हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी, ये है ओल्ड सब्जी मंडी, टेक्निकली इधर एक नया एकदम अच्छा मस्त वेंडर मार्केट बना है, पर फिर भी लोग इधर ऐसा सब्जी वब्जी बेच रहे हैं, तो ये ठीक ही बात है भाई, लोगों का बिजनेस है, रोज़गार है, चल रहा, तो बस इस चीज़ पे अपने को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा सा तकलीफ है, लोग ऐसा गाड़ी वाड़ी जहाँ तहाँ पार्क कर देते हैं तो वो थोड़ी दुख वाली बात है, और बाकी सब बढ़िया। और भाई मैं परेशान, भाई हम हैं अभी ऐसा रातू रोड चौक पे, थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे, मतलब थोड़ा ही है बस, कहा जाता तो 10% के आसपास है, वरना भाई ये रश टाइम जब रहता है तो भाई सत्यानाश, मतलब आप ऐसे 10 मिनट के अंदर ये चौक ऐसे क्रॉस नहीं कर पाओगे, पर अभी भाई वैसा नहीं है। और मेरा हेलमेट का मिरर ना बहुत परेशान कर रहा है मुझे, तो हमें लगता है कि बस इसको ऐसा अप कर लेना होगा, ऐसा फॉग वॉग जम जा रहा है और पहले से इसमें डस्ट बहुत सारा। देखो मेरी एक दांत टूट चुकी है तो ऐसा आवाज़ में थोड़ा ऐसा चेंजेस हो सकता है, डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि भाई ऐसा तुम एक ऐसा नया नकली दांत लगवा दो, मैं तो भाई सोच रहा हूँ ऐसे सोने वने के दांत लगवा लूँ, मतलब लगवा लूँ सोच रहा हूँ, हमारे दोस्तों ने भी मतलब ऐसा कहा कि हाँ भाई लगवा ले, इमरजेंसी में अगर हम लोग कहीं ऐसे ट्रिप पे गए हैं, पैसे वैसे ना रहे हैं, तो भाई हम लोग वो दांत ऐसे गिरवी रख के आ जाएंगे, तो मतलब वो लोग अपना ऐसा देख रहा है, सही है भाई। देखो अगर हमारी एज ऐसा 50-50 रहती तो भाई मैं पक्का सोने की दांत लगवा लेता, पर अभी अगर ऐसा मतलब ऐसा मैं लगवा लेता हूँ और कोई बंदी हमें ऐसा देखी तो भाई दूर से ही ऐसा सलाम काका जी ऐसा बोल के निकल लेंगे, उस चीज़ के लिए अपने पास अच्छा दांत लगवाना भाई साहब। हम जो हैं ऐसा धीरे धीरे ड्राइव करते हुए ऐसे मेट्रो गली के आसपास पहुँच चुके हैं, इधर से अपना घर ऐसे 4-5 किलोमीटर और है, थोड़ी बकचोदी और हम लोग कर सकते हैं ऐसा। ये बिरयानी वाला है, काफ़ी टाइम हो गया अपन इधर आए हुए, अच्छा बिरयानी बनाता है, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोग ऐसा इधर आके दम बिरयानी खा सकते हैं। तो भाई साहब हम पहुँच चुके हैं पिस्का मोड़ चौक, क्रॉस कर चुके हैं, और भाई इधर ऐसा कंस्ट्रक्शन वाला ऐसा रोड है, माहौल है पूरा। आप सोच रहे हो कि भाई मैं ये क्या बकचोदी कर रहा हूँ, भाई हम रांची वाले लोग के लिए पूछो भाई, ये बड़ा एक ऐसा अच्छा अनुभव है कि मतलब ऐसे रांची में ऐसा दो तीन ब्रिज जैसा बन रहे हैं, मतलब ऐसा एक साथ काम चल रहा है, तो मतलब कुछ टाइम बाद हमारे रांची में जो ऐसा ट्रैफिक वाला मतलब जो ऐसा इश्यूज है वो थोड़ा ऐसा कम हो जाएगा, तो अपन खुश है, पर थोड़ा ऐसा परेशानी हो रही है लोगों को ऐसे दिन विन में, ये रास्ता ऐसा काफ़ी जाम जाम रहता है, बट कोई नहीं, इंसान रहे तो थोड़ा ऐसा मैनेज कर लेगा। भाई साहब कहा जाता ना कुछ ऐसा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मुझे लगता है कि भाई ये सब रांची को ऐसा बहुत पहले प्लान कर लेना चाहिए भाई, यहाँ की गवर्नमेंट और ऑल दैट जो भी हो, जो भी इशूज हो रीज़न है, सबको ऐसा किनारे करते हैं, पर अब जो काम स्टार्ट हो गया मतलब ऐसा सही टाइम पर प्रॉपर बन जाए हम बस ये चाहते हैं, बाकी इंसान ऐसा जाऊँ हम तो झेल लेगा 1-2 साल। मुझे लगता है कि इतने लंबी चौड़े ऐसा भाषणबाजी के चक्कर में ऐसा 5 मिनट का तो व्लॉग्स बन चुका होगा, तो मैं ऐसे 5-6 मिनट का ऐसा व्लॉग निरंतर ऐसा 2-3 दिनों के अंदर डालता रहूँगा, बस मुझे करना है क्या भाई 23 में ऐसा कंटिन्यू रखना, बस मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, और भाई बस आप बस देख लो
मैं थोड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपका काम ये रहा है कि हाँ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, दो चार लोगों का सर शेयर वेयर कर दो कि हाँ आपके रांची का लड़का है मोटर व्लॉगिंग की, ऐसा दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। हम पवन जो है पंडरा पहुँच चुके हैं और भाई यहाँ से एक्सट्रीम लेवल का ठंडा सा पड़ जाता है, मतलब वो ये एरिया जो होता है सर सिटी के बाहर मतलब माना जाता है, हम जो हैं सिटी से बाहर रहते हैं, अपन को रांची जाने के ऐसा सोचना पड़ता है। बकायदा दिन में दो बार जाते हैं अपन उधर, पर फिर भी ऐसा अगर कुछ काम ना हो और उधर जाना है तो भाई मेरे को लगता है कि यार क्या पाप कर रहे हैं, गांव से शहर की ओर जा रहे हैं ऐसा लगता है। भाई साहब हम जो हैं पहुँच चुके हैं अपने ऐसे घर के गली वाले रास्ते में, तो घर का रास्ता हम ऐसे लोगों को दिखाना नहीं चाहते, तो भाई अपन जो है व्लॉग को इधर ही ऐसा समाप्त कर देते हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका सहयोग हमें हमेशा चाहिए, बाकी हम बकचोदी करने के लिए भाई तैयार हैं खड़े हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक छोटे से व्लॉग में।